हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का हमारा टॉपिक है पल्स पोलियो प्रोग्राम। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ वीडियो अपडेट्स एंड क्वेरीज के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अभी देखिए, ये मैं आपको बता दूँ, रिपब्लिक डे सेल जो है पेन ड्राइव एंड एंड्रॉयड कोर्सेज पे 70% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ आपको मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पे, और ये वैलिड है 27 जनवरी 2020 तक। अब देखिए, यहाँ पे मैं रेलेवेंस बता दूँ इस टॉपिक का आपको। मेंस पेपर 2 में ये टॉपिक आपके कवर होता है, और ऑब्जेक्टिव लेवल पे पोलियो एंड इट्स वैक्सीन, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और सब्जेक्टिव लेवल पे पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, आज किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज ये साल जैसे ही शुरू हुआ तो पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है इसको इनॉगरेट किया गया, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। और देखिए, बेसिकली आप सोचेंगे कि भारत तो पोलियो फ्री इसको हमने घोषित कर दिया है, तो फिर यहाँ पे पल्स पोलियो प्रोग्राम की क्या ज़रूरत है? तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हम लोग चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि ये वायरस वापस भारत में किसी भी तरह से एंटर ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने 2014 मार्च से ही जो ओपीवी है आपका ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, इसको मैंडेटरी कर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग पोलियो इफेक्टेड कंट्रीज में जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ऑन एंड ऑफ ऑफिशियल पर्पज से, घूमने के पर्पज से इन कंट्रीज में जाते हैं जहां पे अभी भी पोलियो का वायरस है, तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से वो वायरस फिर से हमारे देश में आए और फिर से हमें पोलियो की प्रॉब्लम से जूझना पड़े। इसलिए ये जो वैक्सीन है, जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीनेशन, ये उन लोगों को दी जाती है जो बहुत ही ऑफन ट्रैवल करते रहते हैं इंडिया और पोलियो अफेक्टेड कंट्रीज में। अब देखो, हम इस पोलियो प्रोग्राम की बात करेंगे, पल्स पोलियो। ये है आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम। इंडिया ने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसको 1995 में लॉन्च किया, क्योंकि एक रेजोल्यूशन जो है, ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू किया गया कि पोलियो को हमें इरेडिकेट करना है, जड़ से ख़त्म करना है। और WHA है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसने भी 1988 को इस चीज़ को अडाप्ट किया, और उसके बाद इंडिया भी हर तरीके से इस तरह के इनिशिएटिव लॉन्च करने लग गया कि हमको पोलियो को ख़त्म करना है। और जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 to 5 years, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उससे नीचे हैं, उनको पोलियो ड्रॉप्स, आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी के, ये पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो दिए जाने लग गए नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन राउंड्स में। और स्पेशली उन एरियाज़ को बहुत अच्छे से टारगेट किया जाता था जो हाई रिस्क एरिया थे, जहाँ पर हमको पता था कि बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं हर साल। तो अब आपकी जानकारी के लिए, आपको पता ही है कि इंडिया क्या है, पोलियो फ्री है, हमारे यहाँ पर पोलियो नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, अगर हम उसके डेटा की बात करें कि जो लास्ट पोलियो केस था हमारे देश में वो कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, 2011 जनवरी में वो केस वहाँ पे रिपोर्ट किया गया था। और उसके बाद WHO ने 24 फरवरी 2012 को इंडिया को उन देशों की लिस्ट से रिमूव कर दिया जहाँ पे वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन होती है या पोलियो वायरस पाया जाता है। तो फाइनली हमको उस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, इसका मतलब हम पोलियो फ्री हो गए। और 2 साल के बाद जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन है WHO का, जिसका इंडिया एक पार्ट है, इसको पोलियो फ्री जो है ये स्टेटस दे दिया गया। ये मतलब 2012 के 2 साल के बाद की बात है। तो अगर हम पोलियो की बात करें कि पोलियो क्या है, तो WHO इसको कैसे डिफाइन करता है, पोलियो या पोलियोमाइलिटिस, ये एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, और यूजुअली जो यंग बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करता है। अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है फीकल या ओरल रूट से, और इसका जो व्हीकल है, अगर हम बोले कि खाने पीने से हो रहा है, पानी से हो रहा है, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो चांसेस बहुत कम हैं। और जैसे ही ये वायरस हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, और जहाँ से इंटेस्टाइन से फिर हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और इंसान में पैरालिसिस जो है, वो बच्चों में पैरालिसिस जो है वो देखा जाता है। इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं पोलियो के, वो क्या रहते हैं कि फीवर हो जाएगा, उसके बाद हेडेक होगी, वॉमिटिंग होगी,
आपकी जो गर्दन है वहाँ पे स्टिफनेस होगी, आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे, आपके लिम्स में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एकदम से पैरालिसिस भी जो है वो देखा जाता है, जो कि, और ये इस तरह का पैरालिसिस होता है जो परमानेंट होता है, फिर पूरी उम्र जो है इस पैरालिसिस के साथ जीना पड़ता है। और यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि पोलियो का कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कह लीजिए उसके थ्रू ही इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तभी इसका इम्यूनाइजेशन, इसका वैक्सीनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसी प्रोग्राम के, इस पल्स पोलियो प्रोग्राम है, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने ये फोर्सेस, टीम्स जो हैं वो डेवलप की हैं, रैपिड रिस्पांस टीम RRT, जो कि कभी भी किसी तरह का अगर पोलियो आउटब्रेक हमारे देश में देखा जाएगा तो एकदम से इसको अटेंड करेंगे। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस प्लान्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे स्टेट्स ने डेवलप किए हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम पोलियो केस को डिटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे कि ये सवाल अगर पूछा जाए आपसे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत पोलियो फ्री है, फिर भी हम जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है वो क्यों दे रहे हैं, तो उसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिलेगा कि मार्च 2014 के बाद जो गवर्नमेंट है उसने OPV जो ओरल पोलियो वैक्सीनेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया है। जो लोग इंडिया और पोलियो इफेक्टेड कंट्रीज़ आपकी कौन सी हैं, जैसे अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथोपिया, कीनिया, सोमालिया, सीरिया, कैमरून, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, तो उनको ये वैक्सीन जो है, ये इम्यूनाइजेशन जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लें इसको वर्ल्ड पोलियो डे, देखिए यानी वर्ल्ड पोलियो डे हम इसलिए मनाते हैं कि अवेयरनेस जो है वो लोगों को हम पोलियो के बारे में दे सकें। तो इसको रोटरी इंटरनेशनल जो है 24 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है वर्ल्ड पोलियो डे, ताकि, और साथ में इसको 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ ऑफ जोनस साल्क। जोनस साल्क कौन है, जिन्होंने पोलियोमाइलिटिस के खिलाफ वैक्सीन डेवलप की थी, उनको कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। डेफिनेटली इसके रीजंस मनाने के, इसको सेलिब्रेट या इस्टेब्लिश करने के हैं, ताकि अवेयरनेस हम लोगों में ये दे सकें। और देखिए जो इस्टेब्लिश किया गया था ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन इनिशिएटिव 1988 में, उसने पोलियो को वर्ल्ड में इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है 99%, जो कि बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है। और 2019 में जब ये आपका वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने एक जो माइलस्टोन है उसको मार्क किया कि इंडिपेंडेंट ग्लोबल कमीशन फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ पोलियो माइलिटिस इराडिकेशन जो है, उन्होंने वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 को, कि हमने इसको ग्लोबली इराडिकेट कर दिया है। किसको, अब इसके बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, WPV वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 जो है वो ग्लोबली हम बोल रहे हैं कि हमने इसको इराडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो जो लास्ट वर्ल्ड पोलियो डे मनाया गया है, ये माइलस्टोन वहाँ पे इन्होंने इसको मार्क किया है। देखिए इससे पहले जो स्मॉल पॉक्स है हम उसको इराडिकेट कर चुके हैं, और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 जो है उसको भी इराडिकेट कर चुके हैं। उसके बाद ये आप क्या आ गया, वर्ल्ड जो आ गया वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। अब वाइल्ड ये जो है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए वैसे 3 इंडिविजुअल और इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन जो हैं वो पाए जाते हैं। एक है आपका WP1 वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। ये 3 अलग अलग स्ट्रेन्स हैं पोलियो वायरस के। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो तीनों के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन, और इनफैक्ट आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि ये तीनों ही इस तरह का पैरालिसिस करते हैं जो कि वापस रिवर्स नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, और इससे जो जिन लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है उनकी मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। लेकिन ये तीनों वायरस अगर हम जेनेटिकली देखें या वायरोलॉजिकली देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए ये सेपरेट वायरस है। इनको तीनों वायरसेस को अलग अलग देखा जाता है और इन तीनों को अलग अलग इराडिकेट करना है। और यहाँ पे WPV2 और V3 की अगर हम बात करें, इसको हम ग्लोबली ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन जो वाइल्ड पोलियो वायरस 1 है ये अभी भी सर्क्युलेशन में है, यूजुअली 2 कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो यहाँ पे इस इमेज के ज़रिए आप लाइफ साइकिल जो है पोलियो की वो समझ सकते हैं कि कैसे बॉडी में एंटर होता है, या माउथ से एंटर होगा, या हो सकता है फूड, वाटर या आपके फीकल रूट से भी एंटर हो। फिर उसके बाद ये जो वायरस है ये
इन्फेक्ट करता है आपकी बॉडी को, रेप्लिकेट करता है सेल्स में, स्पेशली इंटेस्टाइन में बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम जो हमारे ब्लड में है वहाँ पे एंटर कर जाता है। ब्लड में एंटर करने के बाद, क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, ये अटैक करता है बॉडी को, और हर अगर हम एक केस की बात करें 200 केसेस में से, फिर ये जो वायरस है ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है, यानी 200 केसेस में से एक केस ऐसा होता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करने का ये मतलब है कि हमारे जो सेल्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के, ये उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये वायरस जो है हमारी बॉडी से बाहर भी आ जाए। फीकल रूट से अगर ये बाहर आता है तो ये पानी को, जैसे बाहर लोग सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये पानी को कंटेमिनेट करेगा, खाने को कंटेमिनेट करेगा जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है, और उसके बाद ये तो लास्ट स्टेप आ गया, लेकिन थर्ड के बाद हम फोर्थ में जाते हैं कि पैरालाइज। अगर ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड्स के सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो हमारे नर्वस सिस्टम इससे डिस्ट्रॉय होगा, नर्व सेल्स हमारे डिस्ट्रॉय होंगे और उससे पैरालिसिस हो जाएगा लेग्स का, हम चल नहीं पाएंगे। और फिर ये लास्ट स्टेप है जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि फीकल रूट से ये बाहर भी आएगा, फूड और वाटर को कंटेमिनेट करेगा, और इस तरीके से ये बाकी लोगों में भी फैलेगा। देखो, पोलियो की बात करें तो दो तरह की वैक्सीन होती हैं जो इस इन्फेक्शन को रोक सकती हैं। एक ओपीवी आ गई जो मैं आपको बता रही हूँ, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये ओरली दी जाती है आपके, जैसे बूंद जो दो बूंद जिंदगी के बोलते हैं, ड्रॉप्स दिए जाते हैं, बर्थ डोज दी जाती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, जो हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती हैं, उसके बाद आपकी प्राइमरी 3 डोजेस दी जाती हैं, 6 साल में, 10 साल में, 14 साल में, नॉट साल में, वीक्स में, जब एक बच्चा 6 हफ्ते का होता है, 10 हफ्ते का होता है और 14 हफ्ते का होता है, और उसके बाद एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कि 16 से 24 महीने का जो उम्र होती है बच्चे की, तब दी जाती है। तो याद रखिए, ईयर्स नहीं, वीक्स है, राइट। तो दूसरा आपका वैक्सीन आता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसको एक एडिशनल डोज माना जाता है, थर्ड डोज डीपीटी के अंदर मानी जाती है, कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें आईपीवी भी जो है वो दिया जाता है। जैसे हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं पोलियो वायरस की, तो इसका मतलब है इसको हम बिल्कुल जीरो पे ले आएं, कि हमें इस तरह का कोई केस ना मिले या बहुत ही लो डिफाइंड टारगेट रेट इसका दिखे। लेकिन फिर भी एलिमिनेशन का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ आपके देश से चली गई तो आप और मेजर्स नहीं लेंगे उसको ठीक करने के लिए। इसलिए हमको ये भी यहाँ पे स्टेप्स लेने हैं कि री इस्टैब्लिश ना हो जाए ये जो ट्रांसमिशन है। जैसे आपने देखा कि यॉज और अगर लेप्रोसी की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट हमारे देश से एलिमिनेट हो चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइंस, अभी तक तो करंट अफेयर देखा, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से भी इसको देख लेंगे कि पोलियो क्या है। पोलियो को पोलियोमायलिटिस भी बोलते हैं, वायरल डिजीज है, नर्व सेल्स पे अटैक करता है, ये सब आपको समझ में आ गया, ये मैंने पिक्चर में भी समझा दिया। स्पाइनल कॉर्ड पे फिर आपको पैरालिसिस हो जाएगा जिसको अटैक करेगा, मसल वीकनेस हो जाएगी कुछ बॉडीज में, कंटाजियस है, एक इंसान से दूसरे को हो सकता है, उसके बाद नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है, और फिर आपको जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है वो पोलियो वायरस है आपका, और जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है उसको बोलते हैं पिकोर्ना विरिडे। अगर हम बोल रहे हैं कंटाजियस है, एक इंसान से दूसरे को हो रहा है, तो आप याद रखिए कि किन तरीकों से हो रहा है, या तो फीकल रूट से हो रहा है, या फिर ओरल रूट से हो रहा है, या फिर दूसरा मैंने बता दिया, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। देखिए, ये जो टर्म है पोलियोमायलिटिस, इसका क्या मतलब है? पोलियोमायलिटिस कुछ नहीं है, साइंटिफिक टर्म है पोलियो के लिए। एक रेयर केसेस में ये मसल वीकनेस करती है, और बहुत कम केसेस में ये सलाइवा के थ्रू भी ये एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है। अब जो पोलियो इन्फेक्शन हैं, ये देखिए ट्रांसमिशंस तो मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ इसी लेक्चर में, ताकि आप भूले ना। देखिए, कई बार रिपीट इसलिए हो जाता है कि आपको कभी भूलेगा नहीं, आप एक बार सुन लेंगे तो। अब पोलियो की बात करें तो ये 3 टाइप के पोलियो इन्फेक्शन हैं। एक इन्फेक्शन है आपका सब क्लिनिकल, फिर आता है आपका नॉन पैरालिटिक, फिर आता है तीसरा आपका पैरालिटिक। इसका क्या मतलब है? सब क्लिनिकल का मतलब है ये वो इस तरह का पोलियो है जिसके कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आएंगे, ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक नहीं करेगा, उसको इफेक्ट नहीं करेगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को। तो 95% केसेस जो पोलियो के हमको मिलते हैं वो सब क्लिनिकल रहते हैं, वहाँ पे सिम्टम्स आपको नहीं दिखते। नॉन पैरालिटिक का मतलब है ये वो उस तरह का पोलियो है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक नहीं करता। अटैक क्या? इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट नहीं करता,
पोलियो तो हो जाएगा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इससे पैरालिसिस भी हो. लेकिन पैरालिटिक जो है सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा सीरियस और रेयरेस्ट फॉर्म है पोलियो की. यहाँ पे फुल या पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को कि वो चल नहीं पाएगा. तो ये भी तीन तरह का होता है. एक हो गया आपका स्पाइनल पोलियो. स्पाइनल पोलियो में क्या होगा, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर अटैक करेगा. फिर आता है आपका बल्बर पोलियो. बल्बर पोलियो में ये आपके ब्रेन स्टेम को अटैक करेगा. फिर आता है आपका बल्बो स्पाइनल पोलियो. बल्बल स्पाइनल पोलियो में आपका स्पाइन और ब्रेन स्टेम जो है दोनों पे अटैक होगा. तो ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स है, आप याद रख सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में आपको हेल्प करेगा. एंड ऑब्वियसली इसके बाद आप ये देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं. हेडेक, स्लाइट फीवर, रेड थ्रोट, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं. और वैसे इन तीनों केसेस में जो हमने बात की, सब क्लिनिकल के अलग सिम्टम्स होते हैं, उसमें हेडेक फीवर होगा. नॉन पैरालिटिक के अलग सिम्टम्स होते हैं, फीवर और हेडेक तो रहेगा, इसके साथ स्टिफनेस हो जाएगी, बैक पेन होगा, मसल टेंडरनेस हो जाएगी. और जो पैरालिटिक है इसमें बिल्कुल ही आप चल नहीं पाएंगे, सडन पैरालिसिस हो जाएगा, लिम्स डिफॉर्म हो जाएंगे. तो तीनों के सिम्टम्स थोड़े अलग अलग भी हैं. तो देखिए यहाँ पे अगर हम वे हेड की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया ने बहुत ही कमेंडेबल काम किया है, हमने पोलियो को इरेडिकेट किया है. बहुत ही रोबस्ट पोलियो सर्विलेंस प्रोग्राम्स हमारे रहे हैं जिनको हमको कंटिन्यू भी करना है. स्ट्रॉन्ग वैक्सीनेशन सिस्टम रहा है. अब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो यूनिवर्सल कवरेज है IPV की, ताकि जो पोस्ट वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस है हम उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करके रखें, ताकि किसी भी तरह का रिवाइवल हमारे देश में इसका ना हो, इन केसेस का ना हो. और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि OPV के साथ साथ IPV जो है इंजेक्टेबल पोलियो वायरस, उसको हम पूरे देश में लॉन्च करें. इसके लिए डेफिनेटली पैसों की भी ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है और ट्रेंड मैन पावर की भी ज़रूरत है. इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फंडिंग और ह्यूमन रिसोर्स. और उसके साथ साथ क्लीन सेफ ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, ये सब तरीके हैं जिससे हम पोलियो को फिर से यहाँ पे रीस्टैब्लिश और स्प्रेड होने से रोक सकते हैं और पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम्स को एक सक्सेस बना सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको भी याद रखिए और अपने आगे पीछे के लोगों को भी बताइए कि सैनिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, हाइजीन जो कंडीशंस हैं देश की उसका क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? तो यही था हमारा आज का डिस्कशन. आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, t.me/veronica_o. और अगर आपको इस एड्रेस से चैनल नहीं मिल रहा तो सिर्फ वेरोनिका स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा. थैंक यू. हाय एवरीवन, दिस इज